गट्टू चिंके चले दुबई। कहते हैं देश विदेश घूमने से हमें नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, नया ज्ञान मिलता है और उससे हमारे दिमाग का ग्रोथ भी होता है। पासपोर्ट बनने के बाद से ही गट्टू और चिंकी अपने दुबई ट्रिप का इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब वो दिन आ ही गया था। दोनों बच्चे काफी एक्साइटेड होकर अपनी पैकिंग कर रहे थे, तभी पापा ने मम्मी से कहा, सारे टिकट्स, वीजा और पासपोर्ट संभाल के एक जगह रखना। मम्मी, ये काम मैं कर लेती हूँ। चिंकी ने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक बैग में रख लिया और मम्मी मुस्कुरा कर उससे कहती है, शाबाश चिंकी। गट्टू ने कैब बुलाए और सारा सामान कैब में रखने में पापा की मदद की और पूरी फैमिली एयरपोर्ट की तरफ चल दी। रास्ते में उन्होंने एक एरोप्लेन को ऊपर आकाश में उड़ते देखा तो गट्टू ने चिंकी से कहा, चिंकी बस कुछ ही देर में हम भी एक एयरप्लेन में वहाँ आकाश में उड़ रहे होंगे, बहुत मजा आएगा गट्टू। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुँच गए। सिक्योरिटी चेक्स और बोर्डिंग की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो सब एक बड़े से एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं। ओ वाओ, ये प्लेन तो बहुत बड़ा है। जब प्लेन रनवे पर तेज गति से चलते हुए टेक ऑफ करती है तो गट्टू और चिंकी को बहुत एक्साइटमेंट होती है। देखते ही देखते प्लेन ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और बाहर बस सफेद बादल नजर आने लगे। देखो चिंकी, हम बादलों के बीच उड़ रहे हैं। कुछ घंटों के बाद उनकी फ्लाइट दुबई में लैंड करती है। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी को दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और शानदार सड़कें देखकर बहुत अच्छा लगता है। होटल में पापा उनसे कहते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो बच्चों, फिर शाम में हम सब बुर्ज खलीफा देखने चलेंगे। वाव, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। शाम होते ही जब गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी बुर्ज खलीफा पहुंचे तो उस बिल्डिंग की हाइट देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे बुर्ज खलीफा पे चढ़ के सीधा आसमान को छू सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है ये बुर्ज खलीफा? ओ गॉड, मैंने जितना इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग है ये बिल्डिंग। उस दिन टीवी पे देखकर यकीन नहीं हो रहा था ना कि कोई बिल्डिंग इतनी ज्यादा ऊंची हो सकती है, पर आज तो आंखों के सामने देख लिया। हाँ बच्चों, बुर्ज खलीफा 800 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। चलो हम सब इसके अंदर चलते हैं। अब इतना कहकर मम्मी, पापा, गट्टू और चिंकी बुर्ज खलीफा के अंदर जाते हैं। वहाँ लिफ्ट से होते हुए वो सीधा ऑब्जर्वेशन डेस्क पर जाते हैं जो लेवल 125 था। वहाँ से उन्हें पूरी दुबई का एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। ये कितना इनक्रेडिबल व्यू है ना चिंकी? हाँ गट्टू, यहाँ से तो बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटे खिलौने की तरह दिख रही हैं। बुर्ज खलीफा का वो कभी ना भूलने वाला नजारा देखने के बाद सभी लोग बुर्ज खलीफा के सामने दुबई फाउंटेन शो देखने जाते हैं। दुबई फाउंटेन शो ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक बड़ी सी झील में होता है, जहां म्यूजिक और लाइट के साथ पानी के फुहारे निकलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो फुहारे म्यूजिक के हिसाब से डांस कर रहे हो। वो देखो चिंकी, ये फुहारा कितना ऊंचा निकला। हाँ, और म्यूजिक के साथ ही इन फुहारों का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इनमें से कुछ फुहारे तो 150 मीटर की हाइट तक जाते हैं बच्चों, जो लगभग 40 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होगी। फाउंटेन की अगली ऊंची धार निकलने पे पापा ने सबको बताया, ये दुबई फाउंटेन शो दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ्ड फाउंटेन शो है। गट्टू और चिंकी खुशी से तालियां बजाते हैं। तुम लोगों की इसी खुशी के लिए मैंने ये दुबई ट्रिप का प्लान किया था। दुबई फाउंटेन शो का पूरा मजा लेने के बाद पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी पाम जुमेरा की तरफ चल दिए। पाम जुमेरा एक वर्ल्ड फेमस मैन मेड आइलैंड का ग्रुप है जिसे मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। चारों तरफ पानी से घिरे आइलैंड का एक ऐसा समूह जिसका डिजाइन एक पाम लीफ की तरह है और जो दिखने में बहुत ही नायाब और खूबसूरत लगता है। पाम जुमेरा जाने के लिए गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा मॉनरेल में चढ़ जाते हैं जो उन्हें मैन आइलैंड से सीधा अटलांटिस होटल ले जाता है। मॉनरेल से बाहर का दृश्य बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। पहले दुबई का मॉडर्न बिल्डिंग्स और उसके बाद डोर तक पानी ही पानी, और अटलांटिस होटल तो पूरी दुनिया में अपने यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है। अरे चिंकी, ये अटलांटिस होटल तो हमने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है। हाँ, कितना सुंदर है ना ये। बच्चों,
दुबई एक फेमस शूटिंग डेस्टिनेशन भी है हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए, इसीलिए तुम लोगों ने काफी फिल्मों में अटलांटिस होटल देखा होगा। पाम जुमेरा में और भी काफी सारे होटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और घूमने की जगह थी। गट्टू और चिंकी के लिए यह सब एक्सपीरियंस करना बहुत ही अमेजिंग था। इतना सब घूमने के बाद गट्टू और चिंकी काफी ज्यादा थक गए थे और होटल वापस आने के बाद उन्हें काफी गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुबह उन्हें मम्मी ने जगाया तो उनके मन में क्यूरियोसिटी थी कि आज कहां कहां घूमने जाएंगे। आज का क्या प्लान है पापा? हाँ, आज हम कहां कहां घूमने जाएंगे पापा? मम्मी मुस्कुराकर पापा की तरफ देखती है। आज तो सबसे पहले हम तुम्हारी मम्मी को शॉपिंग करवाएंगे और उसके बाद हम सब डिजर्ट सफारी के लिए जाएंगे। शॉपिंग के लिए सभी दुबई मॉल जाते हैं जो वहाँ का सबसे ज्यादा फेमस मॉल था। वहाँ जाकर गट्टू और चिंकी दुबई मॉल की साइट से सरप्राइज्ड हो गए। इतना दूर तक फैला हुआ मॉल उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ओ गॉड, ये मॉल कितना ज्यादा बड़ा है, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक ये मॉल ही फैला हुआ है। अरे देखो, वहाँ उस बोर्ड पे दुबई मॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। गट्टू और चिंकी पास जाकर वो बोर्ड पढ़ते हैं। ये मॉल तो 200 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा है। दुबई में सारी चीजें ऐसे ही लंबी, ऊंची या बड़ी होती है क्या? हम पूरे दिन यहाँ घूमेंगे तो भी पूरा मॉल कवर नहीं हो पाएगा। लगभग 1200 रिटेल स्टोर हैं दुबई मॉल में। दुबई मॉल वर्ल्ड की सबसे फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है। वहाँ मम्मी ने काफी शॉपिंग की। बच्चों, पापा और खुद के लिए कपड़े, रिलेटिव्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स, घर के डेकोरेशंस के आइटम्स, बहुत मजा आ रहा था मम्मी को वहाँ शॉपिंग करने में। गट्टू और चिंकी ने भी एक टॉय स्टोर से अपने लिए कुछ टॉयज लिए। वहाँ पापा ने एक ई बुक रीडर खरीदा और फिर टाइम आया डेजर्ट सफारी का। बुर्ज खलीफा के बाद वो सबसे अनोखी चीज गट्टू और चिंकी ने एक्सपीरियंस की वो थी डेजर्ट सफारी। एक बड़े से एसयूवी में बैठकर गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा दूर तक फैले रेगिस्तान में बढ़े जा रहे थे। सैंड ड्यून्स के बहुत ही खतरनाक स्लोपर्स पर जब एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी घुमाता था तो डर और एक्साइटमेंट एक साथ होता था। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कहीं गाड़ी पलट ना जाए। अरे डरो नहीं चिंकी, यही तो डेजर्ट सफारी का मजा है। हाँ, और ये ड्राइवर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एसयूवी नहीं पलटेगी। सैंड ड्यून्स पर एसयूवी की राइड के बाद वो सब डेजर्ट में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। गट्टू और चिंकी ने वह सैंड बोर्डिंग ट्राई किया, वहीं पापा और मम्मी ने क्वाइट बाइकिंग का मजा लिया। रात में डेजर्ट सफारी का एक और अट्रैक्शन था, खुले आसमान के नीचे टेंट्स में लोकल म्यूजिक, डांस और लजीज खाना। लाइट और टेंट्स की सजावट से एक बेहतरीन माहौल बन गया था और अरेबिक म्यूजिक की धुन पर लोगों का नाच गाना, कलाकारों के करतब, ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और गट्टू चिंकी को पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा मजा डेजर्ट सफारी में आया। जब ट्रिप एंड होने को आया और पूरी फैमिली दुबई से इंडिया की फ्लाइट में बैठे तो गट्टू और चिंकी काफी खुश थे। सब कुछ इतना ज्यादा अमेजिंग था, दुबई सच में कमाल की जगह है। हाँ, ये दुबई ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।